अब हम आपसे डिस्कस करेंगे कि लाइक जिस तरह हमने आपसे काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि मूव्स क्या होती हैं, कंबोज क्या होती हैं, करेक्टर नॉलेज, ओपोनेंट नॉलेज। तो जब आपको सारा कुछ पता लग जाएगा ना, फिर जिस तरह आपको पता है कि आपको अपने करेक्टर्स के बारे में भी पता है, प्लस माइनस फ्रेम्स के बारे में पता है, अगले का भी पता है, फिर जो जिस तरह मैं अगर अपने लेवल की बात करूँ या अच्छे लेवल की बात करूँ ना, तो फिर होती है टोटली माइंड गेम कि आपको पता है अब आपने करना क्या है। तो उसमें ये होता है कि आपने अपना जहन लड़ा के जो सा ना उसको मेहनत करके जीतना है, वैसे आप नहीं जीत सकते। और ये नहीं होता कि मैं कहूँ कि अब मेरे सामने कोई प्लेयर है तो मैं ऐसे जीत जाऊँगा, मुझे मेहनत करके जीतना पड़ेगा। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, अगर मैं अच्छा खेलूँगा मैं जीत जाऊँगा, अगर वो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। तो इसमें ये चीज़ें होती हैं। तो आए ज़रा थोड़ी सी गेम खेलते हैं। ठीक है, बस ये है कि आपने मौके नहीं छोड़ने। जब आप प्लेयर्स आपस में खेल रहे होते हैं ना, आपको मौके बहुत कम मिलते हैं। अगर आप मौके पे फायदा उठा लेंगे तो आप प्रेशर बना सकते हैं, नहीं तो अगला प्लेयर आपसे मैच ले जाएगा। नाइस। यही चीज़ है कि आपने जो सा ना अपनी माइंड गेम स्ट्रॉन्ग करनी है। जमाल भाई आप बताएं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जिस तरह हमने पिछली एपिसोड में वीडियो में डिस्कस किया था कि जब आपने मुझे फर्स्ट टाइम खेला था आपके साथ, तो आपने बहुत अग्रेसिव मेरे साथ खेला था। जी जी, आपने मतलब मेंटली मुझे आपने जो है ना बिल्कुल डिमोरलाइज कर दिया था। तो फिर उसके बाद आपने मुझे थोड़ा चांस दिया कि चलो थोड़ी गेम इम्प्रूव, और अब मेरे ख्याल है मैं थोड़ा बेहतर हुआ इन मूव्स में। मुझे फील हो रहा है कि आप थोड़ा सा अच्छा खेल रहे हैं। यही अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, यही अच्छी बात है। जी जी, बस ऐसा ही है कि आप जो सा ना माइंड गेम का ये मतलब आप देखें, जिस तरह मैं जमाल भाई के साथ खेल रहा हूँ ना, तो जमाल भाई की जो गेम है ये मेरी गेम है। मतलब हमने माइंड रीड भी करना है साथ साथ, कि ये नीचे भी मार सकते हैं, ऊपर भी मार सकते हैं, ऑन द स्पॉट जज करके आपने जो सा ना अगले को हराना। अच्छा आप ऐसा, मेरा ख्याल में जब टूर्नामेंट होता है ना, और हाई लेवल टूर्नामेंट खासतौर पर जिस तरह होते हैं, तो उसमें आई थिंक प्लेयर्स का लेवल सेम होता है। वो फिर बात जाती है कि कौन माइंड गेम सही कर रहा है उस दिन, किसका दिन अच्छा है, कौन अच्छा परफॉर्म करे एट द डे। So, आप क्या कहते हैं इस बारे में? आपने इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी खेला है माशाल्लाह, दुबई में जीते भी आप। हाँ जी, तो क्या वो एक एक्सपीरियंस और फीलिंग होती है वहाँ पे? हाँ जी, माइंड गेम बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, जिस तरह हमने शुरू में बात की थी मेंटेलिटी की। तो हर बंदे की, अब हर बंदा खेलने के लिए आया होता है, लेकिन जिसका जितना ज़्यादा जज्बा होता है ना, वो उतनी ज़्यादा एफर्ट मारता है। काफ़ी जो लोग मोस्टली जीते हैं ना, वो इस माइंड सेट से खेलने के लिए जाते हैं कि हम भाई जीतने के लिए आए हैं। तो ये चीज़ होती है, और मतलब आपके बेसिकली जहन में वो ये ना कि आपने विनिंग मेंटेलिटी के साथ जाना है। हाँ जी हाँ जी, ये चीज़ होती है इसमें। और आई थिंक ये किसी भी चीज़ के लिए ट्रू है। हाँ जी, आप कोई भी काम करो किसी भी फील्ड में, तो अगर तो आपका माइंड और मेंटेलिटी चैंपियंस वाली नहीं है, तो फिर आप मतलब परफॉर्म भी उस तरह नहीं करेंगे। जी जी, और दूसरा ये होता है कि एक होती है प्रैक्टिस, जिस तरह मैं भी अगर चाहूँ तो मैं काफ़ी प्रैक्टिस करी जाऊँ, 10-12 घंटे खेली जाऊँ, लेकिन माइंड गेम जो सी होती है ना आपको, वो पहले स्ट्रॉन्ग बनानी होती है। और माइंड गेम स्ट्रॉन्ग ऐसे होती है कि आप पॉजिटिव सोचें, और इस तरह की चीज़ें जिस तरह मैं खेल रहा हूँ आपके साथ, मैं आपको ना अटैक लूज़ ना दूँ। मेरा माइंड ये हो कि यार मैंने ना लूज़ अटैक नहीं देना, मैंने इनसे पहले लूज़ अटैक नहीं करवाना। काफ़ी इस तरह के आपके जो उनसे प्लान आना शुरू होते हैं ना, ये माइंड गेम में होते हैं। तो इसमें यह है कि आप जो सा कूल होके जाएँ, और अपने खाने पीने पर भी ध्यान रखें, ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं इस बारे में ना, कि आप अपनी फिजीक का भी ख्याल रखें, खाने पीने का, सोने का। तो ये नहीं आपके आप मुसलसल गेम ही खेलते रहें, तो ये इस तरह की चीज़ें भी हैं। और मतलब मेरा ख्याल है कि आप अगले के अपोनेंट के मुताबिक अपना मूव्स और माइंडसेट बनाओ। हाँ जी हाँ जी, इसको हम कहते हैं ना गेम थ्योरी कहते हैं। जी जी, और हर बंदे का माइंड डिफरेंट होता है, कि मैं आपके साथ खेलूंगा, मैं लाइक सुबान भाई के साथ खेलूंगा, या कोई भी इस तरह का बंदा है कि जो खेलता है, हर किसी का माइंड डिफरेंट है, और मुझे हर बंदे के साथ स्ट्रेटेजी अपनी चेंज करनी पड़ेगी। लाइक है ना, मुझे लगता है मैं आपको ना लई से हरा लूँगा, हो सकता है सुबान भाई को ना हरा पाऊँ। तो हर बंदा हर करेक्टर से मार नहीं खाता। आपको अपने अपोनेंट का पता होना चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या हैं। हाँ जी हाँ जी, तो ये चीज़ें हैं इस तरह, तो आपको ज़रा थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती हैं। अब मैं हूँ, मेरे 4-5 जो करेक्टर हैं ना, मुझे लगता है कि मैं हर किसी के सामने ना कुनी मिट्सू के अलावा, मुझे लगता है कि मैं हर करेक्टर नहीं खेल सकता किसी के सामने, क्योंकि वो तोड़ होते हैं करेक्टर्स के भी ना भाई। कुनी मिट्सू ऐसी है कि मुझे लगता है मैं हर किसी के खिलाफ वो खेल सकता हूँ। उस पे शायद आपका भी हाथ अच्छा बैठा हुआ है। हाँ जी हाँ जी,
वो मेन है ना, तो उस पर आपको ज़रा माइंड सेट भी रखना पड़ता है और फोकस कॉन्फिडेंस जो है ना वो उस पर करना पड़ता है कि मैंने इसी से खेलना। और आप सब एक तो हो गया ना माइंड सेट, दूसरा हो गया एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। हाँ जी, मतलब आप जब इवेंट पे हो तो मतलब आप पॉजिटिव हो जी। अगर अगले प्लेयर ने आपको देख लिया कि आप सहमे हुए बैठे हुए हो, दबे हुए हो, तो वो आपका फायदा उठाएगा। ऐसे ही तो वैसे ही प्रेशर में आया हुआ है। बिल्कुल सही है। अब मैं रिसेंटली मैं एक टूर्नामेंट खेलने गया था, तो मेरा माइंड सेट ये था कि मैंने जीतना है। तो मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी था, तो लाइक अब उसका उस तरह का नहीं था कि वो माइंड मैंने जीतना है, वो थोड़ा डाउनडोल था। तो ये था, हालांकि वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन यह कि मैं जीत इसलिए गया था कि मेरा माइंड सेट बहुत शुरू से बना हुआ था कि मैंने जीतना है। फोकस अब गया जी, तो फोकस बहुत जरूरी होता है आपका ना इस चीज़ में, तो माइंड सेट जो सा ना ये बहुत जरूरी है गेम में। ऑफिस माइंड सेट एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा कि अक्सर का ऐसा होता है कि मैचेस में ना टूर्नामेंट्स में अपसेट्स हो जाते हैं, बड़ा प्लेयर हार जाता है जी जी, तो जब वो बिल्कुल उस टाइम जो है ना मेंटली डिमोरलाइज हो जाता है, तो उस बाद उसके बाद वो क्या किस तरह वापस आया? आपने देखा होगा कि अक्सर लोग लोअर लूजर ब्रैकेट से विनर ब्रैकेट में आके जीत जाते हैं। हाँ जी, और अपसेट होना कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जो टूर्नामेंट का फॉर्मेट होता है ना ये बड़ा शॉर्टकट होता है। जिस तरह मैं अगर आपको F10 भी हरा दूँ ना या F20 भी, लेकिन हो सकता है मुझे दो कॉइन्स में हरा दें शॉर्टकट गेम में, क्योंकि प्रेशर गेम होती है ना टूर्नामेंट में, होता ही प्रेशर हर बंदे पे कि यार इतना बड़ा इवेंट है, मुझे इतने लोग देख रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ होती है। दूसरा ये है कि बाजू का होता है कि बंदा ना बहुत सीरियस ले लेता है अपनी गलतियों को ठीक करता है। जिस तरह मुझे लगता है मैं आपके साथ खेल रहा हूँ, गलतियाँ दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो अक्सर लोग जो है ना लूजर्स में जाके अपनी गलतियों को बहुत ज़्यादा सीखते हैं और गलतियाँ देते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो जो है ना उस चीज़ को कवर कर लेते हैं। समझ गया मैं। दो दो चांस होते हैं ना, तो एक चांस बहुत मैटर करता है तो इस चीज़ में। सो बेसिकली ये नतीजा निकला कि हमें अपनी अपने आप को मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रखना है, माइंड सेट पॉजिटिव हो और बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव हो। बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। और अपने आप को एज अ विनर और चैंपियन ट्रीट करें हम लोग। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है।